मेरा नाम राजीव है और इस वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो ऑपरेटर्स स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 4 वीडियो पोस्ट कर चुका हूं। पहला जावा के बारे में, दूसरा टोकन क्या होता है, थर्ड कीवर्ड्स एंड आइडेंटिफायर, एंड फोर्थ लिटरल्स एंड इट्स टाइप। सो अगर ये सारे वीडियोज आपने नहीं देखा है तो मैं बोलूँगा ऑपरेटर स्टार्ट करने से पहले एटलीस्ट वीडियो नंबर 4 और 3 आप देख लो, और हो सके तो 2 भी, राइट? सो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारे टोकन हैं जावा में, ये कितने तरीके के होते हैं? 5 तरीके के। कौन कौन से? सबसे पहला हमारा कीवर्ड, देन आइडेंटिफायर, थर्ड हमारा लिटरल, फोर्थ ऑपरेटर, एंड फिफ्थ पंचुएटर्स। सो फर्स्ट सेकंड वीडियो मैंने टोकन की बात किया है, थर्ड वीडियो मैंने कीवर्ड एंड आइडेंटिफायर का बात किया है, फोर्थ वीडियो में मैंने लिटरल का बात किया है, और इस वीडियो में मैं ऑपरेटर के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सो ऑपरेटर क्या होता है? अगर ऑपरेटर की हम डेफिनेशन देखें, सो ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म्ड some specific task on operands। तो task on operands। तो सबसे पहले operands क्या होते हैं? So suppose अगर हमने लिखा है, अगर मैं example दूं, so plus हो गया, minus हो गया, asterisk हो गया, ये सारे हमारे operators हैं, right? सो अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हमने लिखा a प्लस बी एंड डिवाइडेड बाय c, तो यहाँ पे हमारा प्लस और ए डिवीजन ऑपरेटर फॉरवर्ड स्लैश, ये दोनों क्या हैं? ऑपरेटर हैं, ठीक है? और इसके अलावा हमारा a, b और c, ये तीनों क्या हैं? ऑपरेंड्स हैं। सो आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। ऑपरेटर्स आर द स्पेशल सिंबल्स दैट परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क ऑन ऑपरेंड्स, राइट? तो यहाँ पे एडिशन का टास्क परफॉर्म हो रहा है, फिर डिविजन का टास्क परफॉर्म हो रहा है। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि ऑपरेटर क्या होता है। नेक्स्ट, ऑपरेटर्स आर ऑफ 5 टाइप्स। ऑपरेटर्स 5 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला होता है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर, सेकेंड होता है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर, थर्ड है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर, एंड फोर्थ है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर, एंड फिफ्थ है हमारा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब हम इन 5 के बारे में बात करने वाले हैं बारी बारी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। तो फर्स्ट असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में बात करने वाले हैं। सो असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? ये जो सिंबल है, जिसको मैथ्स में आप इक्वल टू नाम से जानते हो, इसको जावा में हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये करता क्या है? जो भी इसके राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है उसको लेफ्ट हैंड साइड वाले में स्टोर कर देता है, राइट? ये हमारा सिंटेक्स हो गया। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, सपोज लिखा हुआ है x असाइन विथ 9। सबसे पहले तो मैक्सिमम लोग इसको पढ़ते हैं x इक्वल टू 9, बट ये गलत है क्योंकि ये इक्वल टू नहीं है। यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है? 9, जो किस में स्टोर हो जाएगा? x में। तो इसको पढ़ेंगे x असाइन विथ 9 या फिर 9 असाइन टू x। सो आई होप क्लियर हो गया होगा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है। इसके अगर इसको हम प्रोग्राम में देखें कि वैल्यू को असाइन करना, तो हमारा एक प्रोग्राम है, अगर हमें इसमें देखना है तो जैसे हमारा एक वेरिएबल है int a। अब सपोज आपको a में कुछ स्टोर करना है तो असाइन विथ 5। अब अगर आपको प्रिंट करना है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a, राइट? अब अगर हम प्रोग्राम को रन करेंगे, सो जावा सी abc.java, देन उसके बाद जावा abc,
ओके यहाँ पे कुछ ओके मैंने प्रोग्राम को सेव नहीं किया है इसलिए आउटपुट नहीं आया। फिर से रन करते हैं जावा सी ए बी सी डॉट जावा एंड देन उसके बाद जावा ए बी सी। सो हमारा आ गया 5। सो इस तरीके से हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा जो सेकंड है वो है अर्थमेटिक ऑपरेटर। सो नाम से ही पता चल रहा है अर्थमेटिक मतलब पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो ऐसे ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। सो ऑपरेटर्स विच परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑपरेशंस आर नोन एज अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो जैसे हमारा प्लस हो गया, एस्ट्रिक हो गया, मॉड हो गया, ये सारे हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर हैं। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर भी दो तरीके का होता है। सो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अभी दो तरीके का कौन कौन सा होता है? पहला होगा हमारा यूनरी ऑपरेटर और दूसरा होगा हमारा बाइनरी ऑपरेटर। सो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है? विच वर्क्स ऑन सिंगल ऑपरेंड। अभी मैं एग्जाम्पल दूंगा। ऐसे अर्थमेटिक ऑपरेटर जो सिंगल ऑपरेंड पे वर्क करते हैं उनको हम यूनरी ऑपरेटर बोलते हैं, राइट? तो बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है? विच वर्क्स ऑन टू ऑपरेंड्स। सो ऐसे ऑपरेटर जो दो ऑपरेंड पे वर्क करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बाइनरी ऑपरेटर। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो सबसे पहले मैं सारे ऑपरेटर्स को यहाँ पे बना देता हूँ। सो यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें तीन कॉलम होगा, एक कॉलम हम सिंबल के लिए कर लेते हैं, एक कॉलम नेम के लिए और दूसरा एग्जाम्पल के लिए। सो मैं यहाँ पे दे लेता हूँ, पहला हमारा सिंबल हो गया जो सिंबल है हमारा, दूसरा हो गया नेम एंड थर्ड हो गया हमारा एग्जाम्पल। सो जैसे प्लस, इसका नाम क्या है? प्लस। ये क्या है? ये हमारा यूनरी ऑपरेटर है। यूज कैसे होता है? जैसे प्लस ए। अब मे भी कोई बोले कि ए प्लस बी, ये तो बाइनरी हो गया, दो पे वर्क कर रहा है, बट नहीं, ये प्लस नहीं है। ये प्लस जैसा है बट ये प्लस नहीं है, ये बाइनरी में आता है, इसको एडिशन ऑपरेटर बोलते हैं। अगर कहीं लिखा है प्लस बी तो ये हमारा यूनरी ऑपरेटर हुआ प्लस, क्योंकि ये बी एक ऑपरेंड पे वर्क कर रहा है। उसी तरीके से माइनस यूज, जैसे माइनस ए, फिर उसी तरीके से हमारा प्लस प्लस, इसको बोलते हैं हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये दो तरीके से यूज होता है, वेरिएबल के पहले भी प्लस प्लस ए या फिर वेरिएबल के बाद भी ए प्लस प्लस। अगर वेरिएबल के पहले यूज होता है तो इसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं, प्री मतलब पहले, और वेरिएबल के बाद यूज होता है तो पोस्टफिक्स, पोस्ट मतलब बाद में। और प्लस प्लस करता क्या है? वेरिएबल की वैल्यू को एक बढ़ा देता है। यानी सपोज अगर ए में 5 है और आपने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा? ए की वैल्यू एक बढ़ा के प्रिंट करेगा। उसी तरीके से है हमारा माइनस माइनस। अब ये दो तरीके से क्यों यूज होता है मैं बताऊंगा आगे। फिर माइनस माइनस को हम बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करता है? वेरिएबल की वैल्यू को एक कम करता है। ये भी दो तरीके से यूज होता है, वेरिएबल के पहले और वेरिएबल के बाद। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमारे हमारे यूनरी ऑपरेटर क्या होता है। चार होते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस और माइनस माइनस। अब हम बात करते हैं बाइनरी ऑपरेटर की। तो अगेन इसको, इसके लिए भी हम एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें भी हमारा तीन कॉलम होगा। सबसे पहला कॉलम होगा हमारा सिंबल, दूसरा होगा हमारा, यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सो सबसे पहला हमारा कॉलम होगा वो होगा सिंबल के लिए, दूसरा होगा नेम के लिए,
एंड थर्ड होगा एग्जाम्पल के लिए। तो जो हमारा सबसे पहला बाइनरी ऑपरेटर है वो दिस वन। अब इसको बोलेंगे तो प्लस है, नहीं है प्लस नहीं है, ये है हमारा एडिशन ऑपरेटर। यूज कैसे होता है, जैसे ए प्लस बी, यहाँ प्लस बोलते जरूर हैं बट ये प्लस नहीं, एडिशन ऑपरेटर है। नेक्स्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, यूज कैसे होता है, जैसे ए माइनस बी। फिर नेक्स्ट है हमारा डिवीजन ऑपरेटर, फॉरवर्ड स्लैश, इसको जावा में एज अ डिवीजन ऑपरेटर हम यूज करते हैं। यूज कैसे होता है, जैसे ए डिवाइडेड बाई बी। फिर है हमारा एस्ट्रिक, इसको जावा में हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, ये यूज कैसे होता है, जैसे ए इंटू बी। फिर नेक्स्ट है हमारा मॉड, इसको जावा में बोलते हैं हम रिमाइंडर ऑपरेटर, ये क्या करता है, रिमाइंडर देता है, जैसे ए मॉड बी। अब इसका मतलब क्या हुआ, सपोज अगर लिखा हुआ है 5 mod 3, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर 5 में 3 से डिवाइड होगा, 5 में 3 से डिवाइड होगा, सो 3 1 जै 3, रिमाइंडर कितना बचा 2, तो इसका आंसर 2 होगा, सो मॉड रिमाइंडर देता है। उसी तरह अगर लिखा है 6 mod 5, तो आंसर क्या होगा, 6 में 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आएगा, तो आंसर 1 होगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि मॉड किस तरीके से काम करता है। सो बाइनरी ऑपरेटर में हमारा सबसे पहला है एडिशन ऑपरेटर, उसके बाद है हमारा सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर, देन उसके बाद है हमारा डिवीजन ऑपरेटर, देन उसके बाद मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर, और फिर रिमाइंडर ऑपरेटर। तो हमारा सेकेंड हो गया अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब हम थर्ड की बात करते हैं जिसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर, सो रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या करते हैं, या दो ये दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं। जैसे आप प्रोग्राम में बहुत बार देखते हो कि ए ग्रेटर देन बी, चेक करना है कि ये क्या बी से बड़ा है, तो ये जो ऑपरेटर है रिलेशनल ऑपरेटर है। जैसे ए इक्वल्स टू बी, ये जो इक्वल्स टू है ये भी रिलेशनल ऑपरेटर है। सो रिलेशनल ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा, रिलेशनल ऑपरेटर यूज टू कंपेयर टू और मोर वैल्यूज, राइट। नाम ही से पता चल रहा है ना, रिलेशन। सो अगर रिलेशनल ऑपरेटर के एग्जाम्पल की हम बात करें, तो ग्रेटर देन, इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू, ऑल दीज आर रिलेशनल ऑपरेटर। अब रिलेशनल ऑपरेटर में हमें दो चीज ध्यान में रखना पड़ेगा, पहला कि रिलेशनल ऑपरेटर वर्क्स ऑन न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, न्यूमेरिक वैल्यू ओनली। रिलेशनल ऑपरेटर सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे काम करते हैं, बहुत ऑब्वियस सी बात है, आप कंपेयर तो नंबर्स को ही कर सकते हो ना, क्या और किस चीज को कंपेयर करना पॉसिबल है। अगर इवन हम दो लोगों की हाइट भी कंपेयर कर रहे हैं तो वो भी नंबर्स में हम करेंगे कि इसकी हाइट 5.3 है और इसका 5.7 है, तो नंबर्स के फॉर्म में ही हम करेंगे, ठीक है। और दूसरा, आउटपुट ऑफ रिलेशनल एक्सप्रेशन इज ऑलवेज बुलियन। इसका मतलब क्या हुआ, बुलियन वैल्यू दो ही होता है, सबको पता है, पहला होता है ट्रू और दूसरा होता है फॉल्स। तो यहां दिया है रिलेशनल एक्सप्रेशन का आउटपुट हमेशा बुलियन होता है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा एक्सप्रेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कॉन्स्टेंट आर नोन एज एक्सप्रेशन। तो जैसे लिखा हुआ है ए ग्रेटर देन बी, ये क्या है, यहाँ पे वेरिएबल भी है ऑपरेटर भी है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड ऑपरेटर हो गया, ये हमारा एक एक्सप्रेशन है। और अगर किसी एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ हो तो उस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन और रिलेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो हमारा कौन सा एक्सप्रेशन हो गया, रिलेशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि इसमें रिलेशनल ऑपरेटर यूज हुआ है और इसका आउटपुट हमेशा बुलियन होगा। कैसे, मैं इसको अभी प्रोग्राम में दिखा देता हूं। मान लो हमारे पास एक वेरिएबल है ए जिसकी वैल्यू 5 है और एक और वेरिएबल है बी और बी की वैल्यू 10 है। अब अगर मैं यहां पर प्रिंट करता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन,
ए ग्रेटर देन बी, ध्यान रखना ग्रेटर देन क्या है, हमारा रिलेशनल ऑपरेटर है। तो ए ग्रेटर देन बी क्या होगा आप बताओ, ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? ए में 5 है, बी में 10 है, तो 5 क्या 10 से बड़ा है? नहीं है, तो फॉल्स होना चाहिए। रन करते हैं प्रोग्राम को। सो जावा सी एबीसी डॉट जावा, जो हमारे क्लास का नाम है, देन जावा एबीसी, देखो क्या आया, फॉल्स। अगर वही हम ए की वैल्यू 15 कर दें, अब क्या आएगा? सेव करते हैं, फिर से रन करते हैं, जावा सी एबीसी डॉट जावा, देन जावा एबीसी, देखो ट्रू, राइट। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन है ए ग्रेटर देन बी, जो हमारा रिलेशनल एक्सप्रेशन है, इसका आउटपुट क्या आया? बुलियन आया, या तो ट्रू आ रहा है या तो फॉल्स आ रहा है। तो इसीलिए हमारे जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होते हैं उनको बुलियन एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। फाइन, सो अब कौन कौन से होते हैं रिलेशनल एक्सप्रेशन उसको हम देख लेते हैं। सो रिलेशनल एक्सप्रेशन में हमारे मैं अगेन मैं एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। तीन कॉलम बना लेते हैं हम, पहला सिंबल के लिए, दूसरा नेम के लिए और तीसरा एग्जाम्पल के लिए। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ सिंबल देन नेम देन एग्जाम्पल। सो सबसे पहला हमारा है रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, GREATER। यूज कैसे होता है? जैसे ए ग्रेटर देन बी, मतलब ये बता रहा है कि ए बी से बड़ा है, ए ट्रू तभी होगा जब ए बी से बड़ा होगा, देन लेस देन। सो ए लेस देन बी, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रेटर देन इक्वल टू, जैसे ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी, मतलब ए या तो बी से बड़ा है या उसके बराबर है। अगर फिर होगा हमारा लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, मतलब ए या तो बी से छोटा है या उसके बराबर है। नेक्स्ट होगा हमारा डबल असाइनमेंट ऑपरेटर का साइन, इसको बोलते हैं इक्वल टू। अगर लिखा है ए इक्वल्स बी, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब जैसे मान लो ए में 5 है और बी में 10 है, और तुमने प्रिंट किया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए इक्वल्स टू बी, तो ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? भाई दोनों बराबर है, लिखा तो हमने बराबर है बट नहीं है ना दोनों, तो आउटपुट आएगा फॉल्स। अगर मान लो बी में 15 होता और ए में 15 होता और बी में भी 15 होता, तब ये ट्रू आता। फिर है नॉट इक्वल टू, एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम नॉट इक्वल टू, मतलब दोनों बराबर नहीं है। यूज कैसे होता है? जैसे ए नॉट इक्वल्स टू बी, राइट। अगर इसको हम प्रोग्राम में देखें तो जैसे यहाँ पे देखो ए में 15 है, बी में 10 है। अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ ए ग्रेटर देन बी, तो क्या आएगा? ए में 15 है, बी में 10 है, मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। फिर हम ऐसे लेस देन को यूज कर सकते हैं, फिर अगर हम इक्वल्स का यूज करते हैं तो क्या होगा? क्या दोनों बराबर है? नहीं है, तो आउटपुट क्या आना चाहिए? आउटपुट आना चाहिए फॉल्स। रन करते हैं, देखो आउटपुट आ गया फॉल्स। बट अगर मैं यहाँ नॉट इक्वल टू का यूज कर रहा हूं, तो भाई मैं यही तो बोल रहा हूं ना, दोनों बराबर नहीं है, तो हाँ नहीं है दोनों बराबर, तो क्या आएगा हमारा आउटपुट? रन करते हैं, देखो आउटपुट आया हमारा ट्रू। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि सारे हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। अगला ऑपरेटर है हमारा जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको हम बोलते हैं जो फोर्थ वन है, लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है? अलग अलग कंडीशन को कंबाइन करता है, राइट। जैसे सपोज मैं प्रोग्राम में एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर मान लो दो वेरिएबल है और दोनों में कुछ नंबर्स हैं, हमें चेक करना है कि अगर ए बी से बड़ा है तो हमें प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इफ ए ग्रेटर देन बी, इफ की स्पेलिंग गलत होगी, मैंने सिर्फ आई लिखा है। सो इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर ये ट्रू हो गया तो कंप्यूटर इफ के अंदर आएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और यहाँ पे जो भी हमने प्रिंट किया है, हमने क्या प्रिंट किया है? हेलो वर्ल्ड। सो हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा। तो अभी देखो क्या है, ए में 15 है, बी में 10 है, तो ए ग्रेटर देन 10 क्या एग्जीक्यूट होगा? ट्रू हो जाएगा। तो इफ हमारा ट्रू हो जाएगा क्योंकि इफ में ट्रू हो गया। और इफ काम कैसे करता है? अगर इफ का कंडीशन ट्रू हो गया तो इफ के ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा एग्जीक्यूट हो जाता है, तो कंप्यूटर प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। ये तो चलो ठीक है, बट मान लो एक और वेरिएबल है ए बी के साथ सी, ठीक है,
और इसमें भी कुछ वैल्यू है सी में, सपोज सी में 23 है। अब हमें चेक करना है कि अगर सी ए से भी बड़ा है और सी बी से भी बड़ा है, मतलब हमारा कंडीशन कुछ ऐसा हो गया कि अगर जो हमारा सी है वो ए से भी बड़ा है और हमारा सी बी से भी बड़ा है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो तब हमें हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो भाई ये तो प्रॉब्लम हो गई। अगर एक कंडीशन हो तो मान लो सिर्फ ये चेक करना होता सी ग्रेटर देन ए तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, तो इसको इफ में लिख दो, और अगर ये ट्रू हो गया तो जो इफ के अंदर तुमने लिखा है एस ओ पी हेलो वर्ल्ड वो प्रिंट कर देगा कंप्यूटर। बट अभी दोनों ट्रू होने पे होना चाहिए, तो यहीं पे लॉजिकल ऑपरेटर आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या करते हैं, मल्टीपल कंडीशन को आपस में कंबाइन कर देते हैं। तो इन दोनों कंडीशन को हम कंबाइन करने के लिए एक लॉजिकल ऑपरेटर है जिसका नाम है कंडीशनल एंड, इसका यूज कर सकते हैं। तो हम बीच में लगा देंगे कंडीशनल एंड। अब कंडीशनल एंड क्या करेगा, अगर ये भी ट्रू हुआ और ये भी ट्रू हुआ तब ये पूरा बड़ा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। अब ये कंबाइन होकर एक एक्सप्रेशन हो चुके हैं जो दो छोटे एक्सप्रेशन से मिलकर बने हैं, तो अगर दोनों छोटे वाला एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तभी ये पूरा ट्रू होगा, अगर एक भी फॉल्स हुआ तो ये पूरा फॉल्स हो जाएगा। तो अब हम प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं ए ग्रेटर देन बी, फिर कंडीशनल एंड जो एक लॉजिकल ऑपरेटर है सी ग्रेटर देन बी, और पहला वाला क्या था हमारा सी ग्रेटर देन ए, सो सी ग्रेटर देन ए। अब देखो, अब अगर ये दोनों मतलब पहला सी ग्रेटर देन बी अगर ए भी ट्रू हुआ और सी ग्रेटर देन ए अगर ए भी ट्रू हुआ तभी इफ ट्रू होगा, और इफ ट्रू होगा तभी जो इफ के अंदर लिखा है हमारा ये एग्जीक्यूट होगा, राइट। तो चलो इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं, ये सेव मैंने कर लिया, अब इसको रन करते हैं। सो जावा सी ए बी सी डॉट जावा एंड देन उसके बाद जावा ए बी सी, क्या आ गया हेलो वर्ल्ड आ गया, क्योंकि ये दोनों कंडीशन ट्रू है। खुद देखो ना यहाँ पे सी में कितना है 23 है, ए में कितना है 15 है, ट्रू। और दूसरा कंडीशन देखो सी में कितना है 23 है और बी में कितना है 10 है, ए बी ट्रू। बट एक काम करते हैं बी की वैल्यू चेंज कर देते हैं, 100 कर देते हैं, अब देखना क्या होगा। सेव कर लिया हमने, अब इसको रन करते हैं जावा सी ए बी सी डॉट जावा एंड देन जावा ए बी सी। ओके आउटपुट क्यों नहीं आया कुछ, हाँ आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि इफ हमारा फॉल्स हो गया, और जब इफ फॉल्स हो गया तो कंप्यूटर इफ के अंदर गया नहीं, एग्जीक्यूट हुआ नहीं और कुछ हमने प्रिंट किया नहीं है, राइट। और जरूरी नहीं है कि हम एंड से दो ही कंडीशन कंबाइन करेंगे, मान लो तीन तीन कंडीशन है कि अगर सी ए से बड़ा हो और बी ए से बड़ा हो और डी भी हमारा ए से बड़ा हो तब हमें कुछ करना है, तो तीनों के बीच में कंडीशनल एंड लगा दो दो बार, अब ये पूरा एक एक्सप्रेशन बन गया। अब अगर ये तीनों ट्रू होगा तभी ये पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा। सो आई होप क्लियर हो गया होगा कि हमारा कंडीशनल एंड क्या है। तो मैं जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेटर हैं सबके बारे में यहां लिख दे रहा हूं। अगेन हम एक टेबल बना लेंगे, अब इस टेबल में तीन कॉलम बना लेते हैं, पहला नेम के लिए, दूसरा पहला हो गया हमारा सिंबल, दूसरा हो गया नेम और तीसरा हो गया एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आता है कंडीशनल एंड, इसका नाम क्या है कंडीशनल एंड। ये क्या करता है, मल्टीपल कंडीशन को मल्टीपल रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करता है, ठीक है। और अगर वो सारे रिलेशनल एक्सप्रेशन ट्रू हैं तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा। तो कैसे यूज होता है, जैसे ए ग्रेटर देन बी और इसको मान लो कंबाइन करना है ए ग्रेटर देन सी से एक और रिलेशनल एक्सप्रेशन से, तो बीच में कंडीशनल एंड लगा देंगे। ऐसे हम एक और कितने भी कंबाइन कर सकते हैं। फिर आता है कंडीशनल और, ये क्या करता है, बिल्कुल एंड की तरह ये भी है रिलेशनल एक्सप्रेशन को कंबाइन करता है, ठीक है। जैसे मान लो है ए ग्रेटर देन बी और दूसरा है ए ग्रेटर देन सी, तुम चाहते हो कि दोनों में से अगर एक भी ट्रू हो, या तो ए ट्रू हो जाए या तो ए ट्रू हो जाए, तो पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाए, तो यहां पे हम कंडीशनल और लगाएंगे। कंडीशनल और क्या करेगा, अगर दो तीन चार जितने भी कंडीशन है उसमें से एक भी ट्रू हो गया तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन ट्रू हो जाएगा, राइट। तो इसका नाम क्या है, कंडीशनल और। फिर आता है हमारा एंड, एंड जो है बिल्कुल कंडीशनल एंड की तरह ही काम करता है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, हमारा कंडीशनल एंड किस पे काम करता है, एक्सप्रेशन पे, जैसे ए ग्रेटर देन बी हो गया, बी ग्रेटर देन सी हो गया,
हमारा कंडीशनल एंड एक्सप्रेशन पे वर्क करता है, एक्सप्रेशन को कंबाइन करने के लिए, लेकिन जो नॉर्मल एंड है वो वेरिएबल को कंबाइन करता है। जैसे मान लो हमारी बुलियन टाइप की दो वेरिएबल है, बुलियन ए कॉमा बी। अब बुलियन वैल्यू में दो ही वैल्यू होती है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो ए में हो सकता है ट्रू या फॉल्स होगा, बी में भी ट्रू या फॉल्स होगा। अब हम क्या चाहते हैं कि अगर ए और बी दोनों ट्रू हो तो हमें कुछ वर्क परफॉर्म करना है, राइट? तो इन दोनों को कैसे कंबाइन, अब अगर हमें सिर्फ ए चेक करना होता कि ए ट्रू है तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, तो हम ऐसे कर लेते इफ ए और फिर इसमें लिख देते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट और फिर जो भी हमें प्रिंट करना है, राइट? बट हमें चेक करना है कि अगर ए भी ट्रू है और बी भी ट्रू है, तो भाई अब ए और बी दोनों को हम एंड से कंबाइन कर देंगे। तो एंड काम बिल्कुल कंडीशनल एंड की तरह करेगा, अगर ए की वैल्यू भी ट्रू है और बी की वैल्यू भी ट्रू है तो पूरा ट्रू हो जाएगा। तुम चाहो तो ए बी फिर एंड सी, तीन चार कितने भी वेरिएबल काम कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो कंडीशनल एंड और एंड एक ही तरीके से काम करते हैं, फर्क ये है कि कंडीशनल एंड हमारा एक्सप्रेशन को कंबाइन करता है, उस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू वही होती है ट्रू फॉल्स, और एंड क्या करता है नॉर्मल वेरिएबल को कंबाइन करता है, तो इसका नाम है एंड। फिर है और क्या करता है हमारा ए भी, जैसे कंडीशनल और काम कर रहा था कि एक भी एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो पूरा ट्रू हो गया, और क्या करता है नॉर्मल वेरिएबल पे वर्क करता है। अगर एक भी वेरिएबल ट्रू हो गया, जैसे मान लो हमारे पास कुछ बुलियन वेरिएबल है, बुलियन ए कॉमा बी कॉमा सी, हम चाहते हैं तीनों में से एक की भी वैल्यू ट्रू हो तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए, तो हम लिख सकते हैं इफ ए और बी और सी और फिर इसमें जो भी प्रिंट करना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट हेलो वर्ल्ड जो भी करना है। अब होगा क्या, ए बी और सी में से कोई भी एक ट्रू हुआ तो ये पूरा ट्रू हो जाएगा, राइट? तो मैं यहां लिख दे रहा हूं जैसे ए और बी और सी। एंड कैसे काम करता है, जैसे ए एंड बी एंड सी, राइट? और लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर है हमारा क्वेश्चन मार्क फिर कॉलन, इसको बोलते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर, अब टर्नरी ऑपरेटर पे मैं अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें ये जो प्लस प्लस था हमारा और माइनस माइनस था, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इन दोनों के बारे में बात करूंगा, टर्नरी ऑपरेटर के बारे में बात करूंगा। सो हमारा चौथा लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, इसके बाद फिफ्थ है हमारा लास्ट वाला कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, बहुत सिंपल है। मान लो लिखा हुआ है ए असाइन विथ ए प्लस बी, तो अब यहां ध्यान दो, इस एक्सप्रेशन में जिस वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, ओ वेरिएबल और यहां पे जो वेरिएबल है इस एक्सप्रेशन में पहला वेरिएबल, ये दोनों सेम है, तो इस केस में इसको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं ए प्लस इक्वल्स टू बी, और ये जो प्लस इक्वल टू नया ऑपरेटर बना इसी को बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, इसको कुछ लोग शॉर्ट एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लिखा है b असाइन विथ b डिवाइडेड बाई 3, तो अगेन b जिसमें स्टोर हो रहा है ये वैल्यू और यहाँ पे b जिसमें एक्शन परफॉर्म हो रहा है, दोनों सेम है, तो इसको हम शॉर्ट करके लिख सकते हैं b डिवाइड का साइन इक्वल्स टू 3, ये जो डिवीजन इक्वल टू नया ऑपरेटर बना यही है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। एक और एग्जाम्पल लेते हैं x असाइन विथ x इंटू 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इंटू इक्वल्स टू 3, जो इंटू इक्वल्स टू नया ऑपरेटर बना यही है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो इसी के साथ हमारा ऑपरेटर कंप्लीट हो गया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप एक बार सीरीज को जरूर देखो, और अगर ये वीडियो लगा कि किसने कुछ कंट्रीब्यूट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।